हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है HD 8000। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस एम्पलीफायर के अंदर के पार्ट्स के बारे में कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कितने मॉसफेट हैं, कितने कैपेसिटर हैं। तो बने रहिए वीडियो में, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो इसलिए क्योंकि आप में से भाइयों ने इसके लिए कमेंट किया था। नीचे आप कमेंट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इस एम्पलीफायर के अंदर के पार्ट्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एम्पलीफायर का अंदर के पार्ट्स, काफी हैवी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो एम्पलीफायर के अंदर के पार्ट्स आप यहां पे देख सकते हैं, आप मॉस्फेट भी काउंट कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहां पे आपको मॉडल नंबर दिखाना चाहूंगा, इसमें जो लगा हुआ है तोशिबा का 2SC5200, इस प्रकार से ये मॉडल है। और अंदर का भी उसी प्रकार से नीचे और लगा हुआ है, क्योंकि नीचे के मॉस्फेट नहीं दिख सकता ऐसे में। और कैपेसिटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें टोटल आपका 20 कैपेसिटर लगा हुआ है। और इसका पावर आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15000 UF और 100 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, यहाँ पे इसका पावर मेंशन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से इसमें ये 20 कैपेसिटर लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 4 फैन दिया हुआ है, काफी बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 2 फैन सामने की ओर हो गया और 2 फैन यहाँ पे पीछे लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है एम्पलीफायर को, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। और यहां पे आपको मैं मॉडल नंबर भी दिखाने का कोशिश करता हूं, सारे ट्रांजिस्टर आशा करता हूं आप यहां पे देख पा रहे होंगे। एम्पलीफायर का पीछे का साइड यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी हैवी एम्पलीफायर है, और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में इसका आउटपुट आपको बता चुका हूँ, 8 ओम्स पे देता है 2200 वाट पर चैनल, 4 ओम्स पे देता है 3300 वाट पर चैनल, और 2 ओम्स पे देता है 4400 वाट पर चैनल। और एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर भी काफी अच्छा है, 1200 इसका डंपिंग फैक्टर है। तो दोस्तों, एम्पलीफायर आपको कैसा लगा बिल्कुल नीचे कमेंट करना, और जो भाई ये एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी क्वालिटी कैसी है, और आप इस एम्पलीफायर में कितने वाट का, कौन से कंपनी का स्पीकर यूज़ करते हैं और उसका आउटपुट आपको कैसा मिलता है। तो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर करें। चलिए आपको इस बार एम्पलीफायर ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे एम्पलीफायर का फैन जो है कंटिन्यू चल रहा है, चारों फैन जो हैं घूम रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे अंदर के साइड, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एम्पलीफायर का जो फैन का स्पीड है वो नॉर्मल है, कम स्पीड पे चल रहा है, लेकिन एम्पलीफायर जैसे ही इस पर लोड पड़ेगा, एम्पलीफायर जब हीट होगा, ये जोन जो है दोनों मॉड्यूल जब हीट होंगे, तो एम्पलीफायर का जो फैन का स्पीड है ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों, ये देखा आपने इस वाले एम्पलीफायर का अंदर का पार्ट्स। एम्पलीफायर काफ़ी हैवी है, नो डाउट, बहुत पावरफुल एम्पलीफायर है।
और क्योंकि ये एम्पलीफायर प्रैक्टिकली टेस्टेड है, मैं इसे बहुत पहले भी यूज कर चुका हूँ, कई भाई लोग यूज़ करते हैं, उनसे भी मैंने बात करी, उनका जो फीडबैक है वो अच्छा ही मिला इस एम्पलीफायर के बारे में। और पिछले वीडियो में मैंने इस वाले एम्पलीफायर का साउंड टेस्टिंग कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको इस वाले बेस का साउंड टेस्टिंग दिखाया था, इस वाले बेस को चला करके दिखाया था जो कि 2000 वाट का बेस है। सेकेंड वीडियो जिसमें मैंने PD1850 के दो स्पीकर को इसके एक ही चैनल पर आपको चला के दिखाया, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये एम्पलीफायर प्रैक्टिकली टेस्टेड है, इसमें अगर आप 8 स्पीकर भी चलाना चाहें बेस के तो चला सकते हैं। अगर आप इसमें 8 स्पीकर चलाना चाहते हैं 2 ओंस पे, वैसे तो रिकमेंडेड नहीं होता 2 ओंस पे बेस चलाने का, लेकिन आपको बताना चाहूँगा अगर आप 4 इंची वॉइस कॉइल वाले 15 इंच के टॉप को 2 ओंस पे चला सकते हैं तो बेस को क्यों नहीं चला सकते। अगर आप इस एम्पलीफायर पर 8 बेस चलाना चाहते हैं तो 800 वाट से लेकर के 1000 वाट तक के आप 8 स्पीकर चला सकते हैं, 4 स्पीकर एक चैनल पे और 4 स्पीकर दूसरे चैनल पे। ध्यान रहे बेस का वॉइस कॉइल का साइज जो है 4 इंच होना चाहिए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, HD 8000 अंदर का पार्ट्स आपने इस वीडियो में देखा, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।